हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। फाइनली हमें अपनी ओला की डिलीवरी सेकेंड टाइम मिल चुकी है। हम सेकेंड टाइम इसलिए कह रहे हैं कि पहले तीन दिन पहले हमें एक बार डिलीवरी मिल चुकी थी और उस टाइम हमने जब गाड़ी चेक की थी तो हमें लगेज हुक के नीचे एक डेंट था, इसी कारण हमने डिलीवरी लेने से रिजेक्ट कर दिया था। तब ओला चैंपियन ने कहा था कि दो दिन में आपको पैनल चेंज करके गाड़ी वापस से लौटा देंगे और आज तीसरा दिन है, गाड़ी हमारे पास वापस पैनल चेंज होके आई है। अब देखते हैं ओला की तरफ से हमारी गाड़ी का पैनल चेंज करके दिया है या नहीं दिया है। ओला चैंपियन भाई हमारे गाड़ी का कवर निकाल रहे हैं। कवर तो वैसे इस बार गाड़ी के साथ दिया नहीं है, गाड़ी बस एक प्लास्टिक से रैप करके दी गई थी, वही प्लास्टिक निकाल रहे हैं अभी। यहीं पे गाड़ी का डेंट था नीचे साइड में, लगे झुक के नीचे डेंट था, अभी तो नहीं दिख रहा है। कंपनी की तरफ से पूरा पैनल चेंज होके आया है, डेंट वगैरह कुछ नहीं दिख रहा है। ये हमारे ड्राइवर भाई है और ये ओला चैंपियन भाई। बाकी गाड़ी का फिट एंड फिनिश तो ठीक ठाक लग रहा है। ये ओला चैंपियन भाई हमारा मिरर फिक्स करने की कोशिश कर रहा है। स्पीकर ग्रिल वगैरह की फिनिशिंग भी अच्छी दी रखी है, पैनल गैप्स नहीं है। डैशबोर्ड के नीचे भी पैनल गैप नहीं है। ये ओला चैंपियन भाई थोड़ा मिरर फिक्सिंग में ओला चैंपियन भाई को प्रॉब्लम हो रहा है शायद। कोई बात नहीं, हम बाद में फिक्स कर लेंगे मिरर। तो दोस्तों, हमारी गाड़ी की डिलीवरी तो हो चुकी है और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि तीन दिन पहले भी मेरी गाड़ी की डिलीवरी हुई थी, लेकिन वो टाइम पे गाड़ी के फ्रंट हुक के फ्रंट पैनल के लगेज हुक के नीचे एक डेंट था, यहाँ पर एक डेंट था और इसी वजह से मैंने गाड़ी की डिलीवरी लेने से मना कर दिया था। तो उस टाइम पे उन्होंने बताया था कि आपको गाड़ी का पूरा फ्रंट पैनल चेंज करके दिया जाएगा और ठीक उसी तरह मुझे गाड़ी का फ्रंट पैनल पूरी तरह से चेंज करके दिया गया है। बाकी गाड़ी की फिट एंड फिनिश की बात करें तो गाड़ी की फिट एंड फिनिश काफी अच्छी दी गई है। पैनल गैप, यहाँ पे पैनल गैप काफी कम दिख रहा है। ये फुटरेस्ट भी अच्छे से वर्क कर रहा है। दूसरी साइड के मुकाबले इस साइड में पैनल गैप थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है। इसके बारे में मैंने ओला चैंपियन से बात की तो उन्होंने बताया कि कंपनी की तरफ से इतना पैनल गैप रखने को रेकमेंड किया है, क्योंकि अगर पैनल्स में गैप नहीं दिया गया तो गाड़ी अगर गड्ढों में जाएगी तो पैनल्स में क्रैक आ सकता है, इसीलिए इतना पैनल गैप कंपनी की तरफ से रिकमेंडेड है। अब देखते हैं गाड़ी के साथ में एसेसरीज के तौर पर हमें क्या क्या मिला है। बॉडी कवर तो इस बार गाड़ी के साथ में दिया नहीं गया है, ये तो आप जानते ही हो। तो गाड़ी अनलॉक कर लेते हैं। ट्रंक ओपन कर लेते हैं। गाड़ी के साथ में हमें दो हेलमेट मिलते हैं। हेलमेट मैंने एक लार्ज साइज में और एक मीडियम साइज में मंगाया हुआ है। आपको हाफ फेस हेलमेट ही मिलेंगे, फुल फेस हेलमेट नहीं दिया गया है, मीडियम साइज का आया है। ओपन करके दिखाता हूँ आपको, ये हेलमेट है, ये मीडियम साइज में दिया गया है, इसको साइड में रखते हैं। साथ में एक दूसरा हेलमेट है जो कि लार्ज साइज में मंगाया है, तो
ये आपको ओपन करके दिखाता हूँ, एल साइज में ये दोनों ही हेलमेट आपको स्टील बर्ड की तरफ से मिल रहे हैं, स्टील बर्ड। लेकिन पीछे इसे ओला, पीछे इसमें ओला का ब्रांडिंग किया हुआ है। हेलमेट के साथ इसमें दो पाउच दिए गए हैं जो कि आपको दिख रहे हैं, एक एक करके देखते हैं इसमें क्या है। ये टूल, ये मेडिसिन किट, मेडिसिन किट वाला पाउच है जिसमें कुछ नहीं, एक एंटीबायोटिक क्रीम सेट और कुछ कॉटन बैंडेज दिए होते हैं। दूसरा एक पाउच दिख रहा है, इस पर टूल किट का सिंबल है, इसमें आपको कुछ एलन की और कुछ टूल्स दिए गए हैं। मैं आपको खोल के दिखा सकता हूँ, सब कुछ इसमें टूल दिया है, साथ में इसमें कुछ एलन की, दो एलन की दिए हुए हैं इसमें, बस टूल किट के नाम पर इसमें इतना ही दिया है। इसको वापस से रख देते हैं और साथ में कुछ चार्जर यूजर मैनुअल ये दिया है, क्या आप देख सकते हो चार्जर यूज कैसा करना है वगैरह वगैरह पूरी जानकारी इसमें दी गई होगी। ये आप, आपकी गाड़ी आने के बाद इसे फुर्सत से पढ़िए। ओके, इसी के साथ, इसके साथ में सबसे जरूरी चीज चार्जर भी दिया था जो कि मैंने निकाल के रखा था साइड में। ये चार्जर है, चार्जर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये चार्जर तो पता ही होगा, चार्जर वैसे बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है चार्जर की, इससे मैं एक बार गाड़ी चार्ज कर चुका हूं अभी। इसका फैन यहां पर होता है चार्जर का, चार्जर गाड़ी चार्जिंग करने के टाइम पर ये फैन घूमना चाहिए जिसकी वजह से चार्जर ओवरहीट नहीं होता है। साथ में ये चार्जिंग गन है जो कि अच्छे से रैप करके दी हुई है, आप तो देख सकते हो इसकी लंबाई करीब करीब 10 फुट के करीब लंबाई होगी इसकी, चार्जिंग गन की, चार्जिंग गन केबल की लंबाई की बात कर रहा हूँ। ये चार्जिंग पॉइंट है, चार्जिंग प्रोब बोल सकते हैं हम इसे। ये भी अच्छे से कवर किया हुआ है, क्वालिटी अच्छी है इसकी भी। ये लॉकिंग सिस्टम है, साथ में दो मिरर्स भी दिए गए थे, एक तो ये और ये। तो ओवरऑल गाड़ी के साथ में इतनी सब एक्सेसरीज आई थी, बॉडी कवर तो इस बार गाड़ी के साथ में नहीं दिया जा रहा है। तो दोस्तों फिलहाल तो इतना ही, बाकी काफी सारे दोस्तों की गाड़ी आउट फॉर डिलीवरी दिखा रहा है, यानी आने वाले 2 से 4 दिन में सबको गाड़ी मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर, जय हिंद।